बीजेपी की सीएम बदलने की घुट्टी से सनसनी। राज्य उत्तराखंड और सीएम की हो गई छुट्टी। राज्य कर्नाटक, सीएम को यहां से भी कर दिया गया बेदखल। राज्य गुजरात और सीएम की छिन गई कुर्सी। सीएम बदलो घुट्टी का अगला डोज कौन? ये सवाल इन दिनों यूपी की सियासत और सियासी जानकारों के जहन में कौंध रहा है कि आखिर चुनावी वक्त में सीएम पर सीएम को बदला जा रहा है, आखिर क्यों? और इस आखिर क्यों के साथ ही सवाल ये है कि अगला नंबर किसका होने वाला है और अगला सीएम कौन होगा जिसे बीजेपी आला कमान बदल सकती है और बदलने के पीछे की वजह क्या हो सकती है। तो अगला सीएम कौन हो सकता है, किसकी कुर्सी जा सकती है, इस सवाल का जवाब ढूंढते वक्त सुई उत्तर प्रदेश पर आकर अटक जाती है और सियासी जानकार कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटाया जा सकता है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि चुनाव में मात्र कुछ महीनों का अंतर है, ऐसे में योगी को कुर्सी से क्यों हटाया जा सकता है और इसका जवाब आज हम आपको देंगे, बताएंगे कि आखिर एक के बाद एक राज्य में मुख्यमंत्रियों को कुर्सी से बेदखल कर नए चेहरों पर बीजेपी दांव क्यों लगा रही है, आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है। दरअसल इसके पीछे की वजह है ब्रांड मोदी, जिसके नाम पर लोग अब भिजकने लगे हैं। साथ ही कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ब्रांड मोदी के खिलाफ कई वर्ग आवाज बुलंद कर रहे हैं, जैसे कि उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ आवाज बुलंद हुई और त्रिवेंद्र सिंह रावत की विदाई हुई। ठीक ऐसा ही कर्नाटक में भी येदुरप्पा के साथ हुआ और गुजरात में भी विजय रूपाणी को हटाने के पीछे पाटीदार आंदोलन और पाटीदारों की अब तक बीजेपी के खिलाफ नाराजगी मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी हालात किसानों के विरोध को लेकर विस्फोटक बन रहे हैं। ऐसे में बीजेपी का प्लान है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ साथ कई अन्य राज्यों में भी जल्द चुनाव करवा दिए जाएं, जिससे कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार होती है तो फिर अन्य राज्यों के सहारे ब्रांड मोदी को बरकरार रखा जा सके और कहा जा सके कि इन राज्यों में तो हमने जीत हासिल की है और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मोदी हैं। साथ ही अगर उत्तर प्रदेश में सीएम योगी को कुर्सी से हटाया गया तो इससे किसानों और कोरोना काल में जो दिक्कतें लोगों को हुई उसे भुनाने की कोशिश भी की जाएगी और कहा जाएगा कि आरोप लगा तो हमने योगी को कुर्सी से हटा दिया। साथ ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जो अपने प्रभारी नियुक्त किए हैं उनको भी जातीय समीकरण के आधार पर ही नियुक्ति दी गई है ताकि वोटर्स को लुभाया जा सके, जैसे कि पिछड़े वर्ग से आने वाले धर्मेंद्र प्रधान उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। साथ में सह प्रभारी अनुराग ठाकुर को बनाया गया है। साथ ही राजस्थान के दलित नेता अर्जुन राम मेघवाल को भी यही सोचकर जिम्मेदारी दी गई है कि उनके सहारे दलितों को साथ लाया जा सके। इसके अलावा झारखंड से सांसद सरोज पांडे को पंडितों को साधने के लिए धर्मेंद्र प्रधान का सहयोगी नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश को छोड़ दें तो हर राज्य में बीजेपी के सामने कांग्रेस मुख्य विरोधी दल है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि पंजाब, मध्य प्रदेश, गोवा के चुनाव भी उत्तर प्रदेश के साथ करवाए जाएं, ताकि अगर उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड में हार मिले तो गोवा, पंजाब, मध्य प्रदेश में से जिन राज्यों में जीत मिले उसके सहारे ब्रांड मोदी को ये कहकर चमकाया जाए कि देखिए जलवा अभी बरकरार है। हालांकि उत्तर प्रदेश में सीएम बदला जाएगा इसकी संभावनाएं कम हैं, लेकिन बीजेपी आलाकमान कभी भी कुछ भी फैसला करने को तैयार रहती है और उसके पर्यवेक्षक जैसा इशारा करेंगे आलाकमान यूपी को लेकर वैसा ही फैसला करेगा। अब देखना ये है कि जो कयास लगाए जा रहे हैं वो कितने पुख्ता हैं और क्या बीजेपी यूपी को लेकर कोई बड़ा फैसला करने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।